झूठे सब अफसाने अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। आरिफ, तुम किन सोचों में गुम रहते हो? ऑफिस से आ भी जाते हो तो घड़ी दो घड़ी मेरे पास बैठने के बजाय अपने कमरे में जाकर पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो। अम्मी, मैं सोच रहा हूँ कि हम कोई किराए का घर कर लेते हैं और यहाँ से चलते हैं बस। अच्छा, तुम्हारी इतनी तनख्वाह है कि तुम मेरा इलाज और दवाइयों के खर्चे के साथ साथ घर का किराया और दूसरे अखराजात बर्दाश्त कर सको? हम किसी तरह गुजारा कर लेंगे अम्मी, लेकिन अब हमारा यहाँ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी भी एक बात सुन, ये घर इब्राहिम ने मेरे अब्बा मरहूम का पुराना घर बेचकर खरीदा, तो कुछ ना कुछ हिस्सा तो मेरा भी बनता है। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? तुम गलत समझ रहे हो, मुझे हिस्सा नहीं चाहिए और ना ही मैंने कभी हिस्सा मांगा है, लेकिन कम से कम मुझे इस घर में रहने का तो हक है ना। लेकिन समीन हमारी वजह से इस घर में नहीं आती अम्मी। क्या करूं बेटा, मैंने तो हर मुमकिन कोशिश की है उसका दिल साफ करने की, उससे माफी तक मांग ली मैंने और दोबारा माफी मांगने को भी तैयार हूं। कितने बार तो बोला है मरियम से कि मुझे उसके घर ले चलो, लेकिन मरियम मेरी बात हर बार टाल देती है, उसके घर लेकर जाती नहीं। हाँ, वो इसलिए क्योंकि समीन अपने घर में खुश नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मरियम और इकरा ने मुझे खुद बताया है कि वो अपने घर में बहुत खुश है, उसका मियाँ उसे बहुत प्यार करता है, बहुत इज्जत देता है। ये झूठ है, इसमें एक आने की सदाकत नहीं है। तुम्हें कैसे पता? अरे बस मुझे पता है अम्मी। अच्छा, तो एक काम कर, शादी कर, इस किस्से को भूल जाओ और अपना घर बसाने की कोशिश करो। और तुम देखना, एक बार तुम्हारी निस्बत किसी से हो गई ना तो अल्लाह ताला तुम्हारे दिन बदल देगा और तुम्हारा अपना घरबार भी हो जाएगा। और जब तुम्हारा अपना घरबार हो जाएगा ना तो मैं भी खुशी खुशी तुम्हारे साथ चलूंगी। अम्मी, आपसे एक बात कहूं? क्या? मैं जानता हूँ समीन का घर नहीं चलने वाला, वो जल्दी उसे तलाक दे देगा और मैं उसे शादी कर लेता हूँ। बल्कि आप मामू मवानी से बात कीजिए और उनसे कहें उसको उस जहन्नम से निकाल बाहर कीजिए। मैं तैयार हूं उसे शादी करने के लिए। मॉल्स में इतनी रश थी, मेरी तो जान ही निकल गई शॉपिंग कर करके। बहुत रश थी, थक गई हूँ मैं। तो क्या जरूरत है इतनी शॉपिंग करने की? रोज रोज जाना जरूरी है तुम्हें? ओफो फराज भाई, आप ना शादी के बाद बिल्कुल बोरिंग हो गए। असफन भाई की शादी हो रही है और आपने तो अभी तक हमारी होने वाली भाभी को देखा तक नहीं है और घर के किसी भी काम में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक बात बताए मुझे, शादी में आपने आना भी है या नहीं? जब मुझे पता चला कि लड़की तुमने पसंद की है और अम्मी और भाई को भी तुमने ही पसंद करवाई है, फिर मैंने सोचा मेरे देखने से क्या होता है। ठीक है, अब जिसको शादी करनी है वो राजी है तो किसी और के देखने ना देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा छोड़े ये सब बातें, ये मैं आपके लिए लाई हूँ, ये देख लीजिएगा। और प्लीज असफन भाई को शॉपिंग पर ले जाए, उनका बहुत सारा सामान बाकी। अच्छा, देखते क्या कर सकते हैं। अरे हाँ, आज ब्राइडल ट्रायल था ना, तो मैंने हरीम भाभी की कुछ पिक्चर्स बनाई थी। तो आप लोग को भी दिखा दूं कि हमारी होने वाले भाभी कौन है। कहाँ गई पिक्चर्स? ये रही। इसे तुमने पसंद किया है? हाँ, अच्छी है ना? फराज भाई को क्या हुआ है? जिस आदमी को सब कुछ सच सच बता दिया गया, वो सब एक्सप्लेन कर दिया गया, उसके बाद भी वो खाई में कूदने को तैयार है। हाफिज है भाई। अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया कि जिस लड़की से मेरी शादी हो रही है वो हरीम है। पता चल भी गया है, और आपकी अकल पर मातम मनाने का भी दिल कर रहा है। अब तुम हद से बढ़ रहे हो। बिहेव योरसेल्फ। हरीम मेरी होने वाली बीवी है, मेरी इज्जत है, और अब मैं उसके खिलाफ तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे ये तो मेरी और उसकी मोहब्बत की सच्चाई थी कि अम्मी और अनीला ने भी उसी लड़की को पसंद किया जिससे मैं शादी करना चाहता था। यही किस्मत है। आपने जो अपने पैर पर ये कुल्हाड़ी मारी है ना भाई, इसके बाद मैं आपके लिए सिर्फ दुआएं कर सकता हूं। भाई हूं आपका, इसलिए शादी मुबारक हो। कंग्रेचुलेशंस। अच्छा, आपने देखी पिक्चर? तुम्हारे पसंद की है तो तुम ही देखो ना, और तुम जाओ, मुझे यहाँ पे काम है। और आप जल रहे हो? मेरे जलने का वक्त गया। आप जलने की बारी तुम्हारी। और सारा मोटी खराब हो गया। आप सोने के लिए नहीं आ रहे क्या? इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वो सुबह जाना है ना आपने अब्बू के साथ ऑफिस। तुम्हें पता था ना कैसन भाई की शादी उस लड़की से हो रही है। मुझे कुछ नहीं पता था। जब आपको पता चला है उसके बाद ही मुझे पता चला है, वरना इस घर में कोई गवारा नहीं करता कि मुझे भी कुछ बता दे, और मुझे इस चीज़ की कोई शिकायत भी नहीं है। लेकिन आप मुझे इस चीज में मुलविस मत समझे। मैं थक गई हूं ये सुन सुनकर। एक तो तुम हर वक्त नहूसत बनके मेरे बेटे के सामने खड़ी हो जाती हो। अल्लाह अल्लाह करके खुशियां मिलती हैं, वो भी छिन जाती हैं। मैंने क्या कहा है फराज? मैंने कुछ कहा है आपको? नहीं अम्मी, इसने कुछ नहीं कहा। आपको कोई काम था? 4 दिन बाद शादी है बेटा तुम्हारे सगे भाई की। कोई कंट्रीब्यूशन, कोई हेल्प, और कुछ नहीं तो कम से कम उसका कमरा ही सजा लो, उसे सैलून वगैरह ले जाओ, खुश हो जाएगा वो, उसका दिल बड़ा हो जाएगा। कमरा तो मैं सजा दूंगा लेकिन सैलून तो वो खुद भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप गए तो मैं ले जाता हूँ उन्हें। हाँ ले जाओ तुम, तुम्हें जरा ज्यादा पता है इन चीजों का। और तुम मेरे असफन के ससुराल वालों के सामने आने की जरूरत नहीं है, और ना ही उन लोगों से ज्यादा घुलना मिलना। खामखा तुम्हें पहचान कर उन्होंने कोई उल्टा सीधा सवाल पूछ लिया ना, या कोई उल्टी सीधी बात कर दी मुझसे या तुम्हारे बाबा से, तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी क्योंकि मैं इस शादी में आऊंगी ही नहीं। देख रहे हो, देख रहे हो किस तरह जबान चला रही है ये मेरे साथ। कोई लिहाज नहीं है, कोई तमीज नहीं है, बदतमीज। अम्मी आप ही तो कोई मौका जाने नहीं देती ना। अब क्या जरूरत थी उसे ये सब कहने की, मेरे असफन के ससुराल के सामने मत आना। वो क्या छूत है? आपने उससे तो क्या मुझसे भी मशवरा करना तक गवारा नहीं समझा। और प्लीज अब मजीद ये बातें करके ना मेरा दिल ना दुखाए, वरना मैं भी नहीं आऊंगा। अरे ये भी उसी की जबान बोल रहा है। जो लफ्ज उसके मुंह में होते हैं वो तुम्हारे मुंह से निकलते हैं। इसी चीज का डर था मुझे। कुछ करना पड़ेगा। और तुम मेरे असफन के ससुराल वालों के सामने आने की जरूरत नहीं है। खामखा तुम्हें पहचान कर उन्होंने कोई उल्टा सीधा सवाल पूछ लिया ना, या कोई उल्टी सीधी बात कर दी मुझसे या तुम्हारे बाबा से, तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ, आपको चाहिए? समीर बस तुम्हें कुछ नहीं करना, बस एक बार जाके फराज से बात कर लो। क्या बात कर लूं और क्यों बात करूं मैं उससे? उसे समझाओ ना, उसे मेरी सिचुएशन समझाओ, ये सब समझाओ ना उसे सब कुछ सच बता दो तुम। और उससे क्या होगा? उससे कहो वो बस एक बार मेरे घर आ जाए अपने माँ बाप को लेकर मेरा रिश्ता मांगने के लिए। फिर ये हरीम चाहती क्या है? पहले फराज के लिए मर रही थी, अब हस्बैंड की दुल्हन बनकर इस घर में क्यों आ गए हैं? कहीं वो हस्बैंड भाई को सीढ़ी बनाकर फराज तक तो नहीं पहुंचना चाहती? भाई तुमने तो बहुत चाहा कि मैं दुल्हन बनके इस घर में ना आऊं, लेकिन मेरा नाम हरीम है। जो सोच लूं वो करके रहती हूँ। और सुनाओ, मिया कहाँ है तुम्हारा? मेरे ख्याल से इस वक्त तुम्हें मेरे नहीं अपने मिया की फिक्र होनी चाहिए। Come on, समीन, कितनी स्टूपिड हो यार तुम। तुम्हें नहीं पता मैं गलत बस में चढ़ के मैं सही मंजिल के करीब आई हूं। एक्चुअली वो जो मेरा वाला है ना, वो गलती से तुम्हारा वाला बनके तुम्हारी और मेरी दोनों की जिंदगी का बेड़ा गर्क करने वाला है। मैं बस उसे तुमसे वापस लेने आई हूं। पहले तुमने उसे मुझसे छीना था और अब मैं उसे तुमसे छीनने आई हूं। और हाँ, एक बात तो मैं करना ही भूल गई। मैं तुमने तो कहा नहीं। चलो मैं ये कह देती हूँ, तुम्हें मेरी शादी बहुत मुबारक हो। हरी, तुम घड़ी क्यों हो गई? इतनी देर कर दी आपने आने, मैं बैठे बैठे बोर हो गई थी। आई एम सॉरी, बाबा के पास था, कुछ बात कर रहा था। अच्छा अभी सॉरी वाली छोड़े, अभी एक काम करें, जैसे अभी आप उस दरवाजे से अंदर आए ना, दोबारा वापस जाएं और बिल्कुल वैसे ही पहले जैसे दोबारा एंटर हो। वापस जाऊं? क्या? क्यों? इतना क्यों सोच रहे हैं? बाद में जवाब दे दूंगी आपकी बातों का, अभी जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करें। और हाँ, एक और बात, जब तक मैं ना कहूँ तब तक अंदर मत आइएगा। जाए, चलो। शाबाश। ठीक है, जैसे आपका हुक्म, दुल्हन है आप। ये मैं गया और ये मैंने दरवाजा खोला और ये मैं वापस। जब तक मैं ना कहूँ तब तक नहीं। ठीक है, जब तक नहीं कहोगी नहीं आऊंगा। ओके, पक्का। मैं गलत बस में चढ़ के मैं सही मंजिल के करीब आई हूँ। एक्चुअली वो जो मेरा वाला है ना, वो तुम्हारा वाला बनके तुम्हारी और मेरी दोनों की जिंदगी का बेड़ा गर्क करने वाला है। मैं बस उसे तुमसे वापस लेने आई हूँ। पहले तुमने उसे मुझसे छीना था, अब मैं उसे तुमसे छीनने आई हूँ। सर में दर्द हो रहा है यार, मुझे चाय बना कर दो प्लीज। तुम्हें क्या हुआ है? तुमसे कह रहा हूँ प्लीज चाय बना कर दो थोड़ी सी। सर शाहीन, क्या हुआ है? ठीक हो क्या? रो क्यों रही हो? कुछ हुआ है तो मुझे बताओ। अब आ जाऊं? आ जाए। Are you sure? हाय, मेरे तस्वीर से ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो। बाय द वे, आपने मुझे रूम से बाहर भेजा वापस आने के लिए, वजह नहीं बताई। वजह तो बहुत गहरी है, समझ लें। कब से मेरे दिल में एक नामुकम्मल आरज़ू की तरह। मैं समझा नहीं। मेरे अब्बा ने सारी जिंदगी मेरी अम्मी को पाँव की जूती से ज्यादा अहमियत नहीं दी। असफन मेरी बेचारी अम्मी सारी जिंदगी उनकी कनीज और नौकरानी बनकर रही। मैं जब जब अम्मी को अब्बा के हाथों बेइज्जत होता देखती थी ना, शिद्दत से ये दुआ मांगती थी कि मेरी कभी शादी ना। और अगर हो तो किसी ऐसे इंसान से मुझसे बहुत मोहब्बत करे, मेरी इज्जत करे। हरीम, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी इज्जत है, तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, है ना। और मैं उन मर्दों को गैर मुहस्सब समझता हूं जो औरतों की इज्जत नहीं करते। दूसरी औरतों की मुझे परवाह नहीं है, मैं इस वक्त सिर्फ अपनी बात कर रही हूं। जानता हूं, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में मोहब्बत और तुम्हारी इज्जत कभी कम नहीं होने दूंगा। ठीक है, चल सारी बातें छोड़े, ये बताएं मेरी मुंह दिखाई कहाँ है? मुंह दिखाई का एक प्रॉब्लम है, तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती के बराबर मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। ये क्या बात हुई? मुझे तो अपनी मुंह दिखाई चाहिए और मुझे तो आपकी अम्मी के कंगन चाहिए। अच्छा, क्योंकि भाई मैंने तो हमेशा यही सुना है कि हर खानदान में ऐसे ही होता है, सबसे बड़ी और सबसे पहली बहू को खानदानी कंगन पहनाए जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस घर में तो एक बहू पहले आ चुकी है। उसका मुझसे क्या मुकाबला है? वो जिस तरह जिन हालात में इस घर में आई है ना, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। और वैसे भी इस घर के बड़े बेटे आप हैं, तो टेक्निकली बड़ी बहू कौन है? मैं, हरीम। अरे मेरी जान, इस घर की बड़ी बहू भी आप हैं, इस घर की छोटी बहू भी आप हैं, मेरी बीवी भी आप हैं, मेरी मोहब्बत भी आप हैं। और मेरी इस बीवी, इस मोहब्बत के लिए ये रही उसकी मुंह दिखाई। एक इसमें और एक इसमें। खुश? बहुत। उठ गया फराज? चाय उसके लिए लेके जा रही हूँ। जी वो उठ गए, उन्हीं के लिए लेके जा रही हूँ। चलो मैं भी चलती हूँ, बात करनी है मुझे उससे। क्यों खुद को रोग लगाते हो बेटा, खुश रहा करो। मुझे तुम्हारी इतनी फिक्र रहती है, हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ मैं। ठीक हो मम्मी? कहाँ ठीक हो, ऐसे होते हैं ठीक? भाई की शादी में भी तुम ऐसे गए कि तुम्हारा जाना ना जाना बिल्कुल बराबर था। एक बात पूछूं, सच सच बताओगे? हाँ। अभी तक नाराज हो भाई से? ना बेटा, वो बहुत मासूम सीधा साधा है। देखो ना उसने मेरी आवाज पे कैसे सर झुका दिया। चुपचाप जहां माँ ने कहा वहां शादी कर। उसे देख के कोई कह सकता है कि मोहब्बत किसी और लड़की से करता था और उसने शादी किसी और से हुई है? हाँ, मैं अब क्यों ऐसा सोच रही है? मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। I'm fine। जीते रहो। तुम्हारे सर से भी ये काला साया उतरे तो देखना तुम भी बहुत खुश रहोगे। पता नहीं कौन सा गुनाह किया था जो ये अजाब चिमट गया तुम्हारी जिंदगी में। देखना इससे जान छुटेगी तो मैं भी तुम्हारे लिए कोई हरीम जैसी। अम्मी बस करें, मैं आपको कह चुका हूं मैं ठीक हूं। आप क्यों, प्लीज बस कर दे। तुम क्या कर रही हो यहाँ खड़ी? जाओ जाके देखो असफंद और हरीम उठे हैं तो नाश्ते का इंतजाम करो। और ये चाय ठंडी करनी है क्या? इसकी ला के दो। मुझे भी बात करनी थी आपसे, हरीम के बारे में बताना था आपको, लेकिन आपके पास तो मुझसे बात करने के लिए 2 मिनट भी नहीं है। थैंक यू। कितना मुश्किल है मोहब्बत किसी और से करना और बीवी किसी और की बन के जाना। लेकिन मैं इसे अपना मुकद्दर मानकर दोगली और हसीयत वाली जिंदगी कभी नहीं गुजारूंगी। जल्द या देर से मेरी शादी उसी से होगी जिससे मैंने मोहब्बत की है। वो तुम नहीं हो सकते। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया